हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं मगराज भिल स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल मगराज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाबी के छल्ले की। और हमने ये पर हमारे पास एक चाबी का छल्ला है, उसमें हमने ये पिस्तौल की जो कारतूस आती है उसके आकार का ये छल्ला बनाया है। पिस्तौल के जो गोली है, जो कारतूस होता है, उसके आकार का ये बनाया है लेथ मशीन पे, और उसको बनाकर इस छल्ले में डाला है। तो आइए देखते हैं ये गोली के आकार का जो ये मॉडल है ये कैसे बनाया जाता है लेथ मशीन पर। तो आइए देखते हैं। ओके, चलिए। दोस्तों, ये एक 12 mm का रॉड है और ये पीतल का रॉड है 14 mm का, करीब 26 mm लंबा है। अब हम इसको, ये जो पीतल वाला है, इसको थ्रू चक में क्लैंप करके इसमें 6.5 mm का सुराख करेंगे हम लोग। दोस्तों, लेथ मशीन चलाते वक्त आँखों पर चश्मा गॉगल होना ज़रूरी है। तो हम इसमें 6.5 mm का ड्रिल कर लेते हैं। ये 6.5 mm का ड्रिल इसमें हो गया है। और अब हम दूसरा लोहे वाला जो 12 mm का रॉड है उसको चक में क्लैंप करते हैं। और इसमें जो हमने 6.5 mm साइज़ बनाया, ड्रिल किया ना, अब इस पर 6.5 mm की हमें टर्निंग करनी है। और वो टर्निंग करनी है करीबन 30 mm लंबी के, वो टर्निंग कर लेते हैं। 6.5 mm इसका डायमीटर होगा और लंबाई होगी 32 mm। इस तरह से हम इसको टर्निंग कर लेते हैं। ये हमारी साइज़, इस साइज़ का हमें टर्न करना है। ये हम फाइनल इसका पूरा कट लगा लेते हैं। ठीक है, ये हमारा टर्न हो गया। अब ये हमारे इसमें ठुकता हुआ हो जाएगा। अब हम इसको पार्टिंग कर लेते हैं आगे से, करीबन 10 mm आगे वाली साइज़, 9-10 mm आगे वाली साइज़ रख दो आप, 9-10। अब यहाँ से इसको पार्टिंग कर लेते हैं। ये पार्टिंग लगभग हो चुका है, ये हमारा पार्टिंग भी हो गया है। अब इसमें क्या, हम ये आगे यहाँ से इसको स्लॉट घिस के इसको स्लॉट करेंगे, आगे से फ्लैट करेंगे। इसका आगे का मुंह है ना, इस पर हमें जो चाबी की चेन हम जो इसमें डालेंगे ना, छल्ले की चेन, उसकी कड़ी हम इसमें फिट करेंगे। तो इसको थोड़ा सा घिस के फ्लैट कर लेते हैं आगे से। दोनों साइड से फ्लैट कर लेते हैं इसको। एक तरफ से तो हो गया, अब हम दूसरी तरफ से इसको और थोड़ी फाइल लगा लेते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे, और इसको घिस के थोड़ा सा फ्लैट कर लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह से हमें करना, ताकि इसमें सुराख भी आराम से हो जाए और ये पतला भी हो जाए थोड़ा सा। ये हमने दोनों तरफ से इसको घिस के घिस दिया है। अब हम इसमें एक आगे सुराख कर लेते हैं, यहाँ पर छोटा सुराख कर लेते हैं। मेरे पास ये 3 mm का ड्रिल है और मैं 3 mm का इसमें सुराख कर लेता हूँ। ये हमने 3 mm का सुराख कर लिया है। अब हमारे पास जो ये पीतल वाला पीस है ना, अब हम इसको अंदर बिठा देते हैं, ये चोट मार के अंदर बिठा देते हैं। इसको पूरा बिठा देते हैं अंदर,
ये हमारा पूरा बैठ गया है, और ये इधर से जी जो हमने सुराख किया था वो उस पीस, अब वो थोड़ा सा मुंह बाहर आ गया है। अभी हम इसको पकड़ के इसका बुलेट का ये पीछे वाला हिस्सा बना लेते हैं। ये जो कारतूस है, जो हम कारतूस का छल्ला बना रहे हैं ना, उसका ये पीछे वाला हिस्सा अपने यहाँ से थोड़ा सा सही कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं। इसको टर्न करके हम लगभग 10 mm बना लेते हैं। इसकी साइज 10 mm कर लेते हैं और इसकी लंबाई है वो कर लेते हैं 20 mm। ओडी 10 mm, लेंथ 20 mm। यहाँ पे एक हम हल्का सा ग्रूव कर देते हैं, बिल्कुल बारीक। अब इसको घुमा लेते हैं, इसको बैक साइड कर लेते हैं हम। इसको घुमा दिया और ये आगे जो साइज है वो बना लेते हैं हम, करीब 8 mm बना लेंगे, 8 mm और 13 mm लंबा, 12, 13, 14 जो भी पीछे वाला साइज है वो बना लेते हैं। 13 है, मैंने ये 13 mm में मेरे पीछे करीब मैंने रखा है, तो इसका डायमीटर 8 mm कर लेते हैं और लंबाई करीबन 13 mm है। और आगे से ये इसका जो फेस है वो गोल कर लेते हैं, मुंह आगे से गोल कर लेते हैं और फिर फाइल से इसको फिनिश कर लेते हैं, एमडी पेपर लगा लेते हैं ताकि पॉलिश हो जाए और दिखने में खूबसूरत लगे। और इस तरह भी एमडी पेपर से इसको चिकना कर लेते हैं। ये देखिए हमारा कारतूस ये बनकर तैयार है। दोस्तों ये चाबी और ये चेन है, और ये हमने इसमें कारतूस की जो पीछे नाकी बनी हुई है इसमें चेन को डाल दिया है, और ये कारतूस वाला चाबी का छल्ला बनकर तैयार। देखिए दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।